जाता हूँ, करेक्ट? तो इस बार मैं नहीं जा पाया। कहाँ, कौन सा वाला प्लेट में लाओगे? अच्छा वो वाला, ओके। पानी पे सोक करके ये करोगे तो निकल जाता है। इधर वो बहुत अच्छी हो सकती है, इधर वो बहुत घटिया हो सकता है। और आज मतलब सुबह सुबह पिंकू को मन हुआ है कि कुछ अलग तरह के सैंडविच खाने का, वो जो हरी चटनी वगैरह डाल के और ये जो स्लाइसेस वगैरह डाल के कुकुम्बर टमाटर ऑनियन, तो वही वाला आज बन रहा है पिंकू के लिए। एक्चुअली ये वाला जो सैंडविच है ना, ये मैंने कभी नहीं बनाया, ये मेरी फर्स्ट ट्राई है। सो होप फॉर द बेस्ट कि मतलब ठीक ठाक से जो रिजल्ट है वो आए। I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. So बस गाइस बन गया सैंडविच। अभी पिंकू आज टेस्ट करके बोलेंगे, क्योंकि उन्हीं का ही डिमांड था कि कुछ अलग तरह के सैंडविच खाएं। वो बोर हो गए थे दूसरा वाला सैंडविच खा करके। आलू वाला सैंडविच खा करके बोर हो गया था, मैं बोला yes. कुछ अलग सा बनाओ। यस, आज कुछ तूफानी करते हैं ना, पर इसमें से ना वो ही गिर जाता है ना, गिरता रहता है स्टफिंग। खाओ खाओ वो लोग टेस्ट करके, हाउ इज द टेस्ट। ये मैंने वैसे भी पहली बार बनाया है। खाते जा रहे हो, बोलो तो थोड़ा। अच्छा है, हेल्दी वाला है। और आलू वाला जो है, पोटैटो जो दे दियो, बॉइल्ड वाला है, अंदर जो स्टफिंग। अरे वो मुझे पता है टेस्ट कैसा है, बोलो। अच्छा है, अच्छा है। मैंने सच में बोल रहे हो या झूठ में? आउट ऑफ 10 इट विल बी लाइक 8। अच्छा, अगर पोटैटो सैंडविच 10 को 10 दूंगा मैं। टेस्ट में कुछ चेंजेस आया ना? वो चेंजेस आया, पूरा चेंजेस आया, थोड़ा नहीं पूरा चेंजेस है, ठीक है? वो वाला खाते खाते हम बोर हो गए थे, नहीं दूसरा वाला। चलो गाइस फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों के साथ। और अभी मतलब लहसुन को छिलते हुए, ये इतना बोरिंग काम है तो क्यों ना कुछ टाइम पास करा जाए बैठ के। सुबह सुबह हम इसलिए सीरीज देख रहे हैं। कौन सा सीरीज है पिंकू? द लास्ट आवर। द लास्ट आवर, ओके। बट देखते हैं, अभी तक अच्छा खासा सस्पेंस वाला लग रहा है तो देखते हैं। मूवी है, हाँ सीरीज है, सॉरी, और सीरीज है, सीरीज। क्या बोला? मैं बोला कि मिस्ट्री मूवी है, मैं बोला कि मिस्ट्री मूवी है, मिस्ट्री सीरीज है। और यहाँ पर देखिए कितना लहसुन है, अभी इसको पूरा छीलना पड़ेगा। और ये कुछ नया टेक्निक पाया है, मतलब पता नहीं, पानी में आजकल मैं सोक कर लेती हूँ, वो इजीली निकल जाता है ऐसे, मतलब बहुत टाइम लगता है। और वो जो छिलका होता है ना फैन के नीचे कहीं भी, अभी गर्मी पे करोगे तो वो वरना उड़ता रहता है पूरा, ऐसे पानी पे सोक करके ये करोगे तो वो उड़ेगा भी नहीं। तो अच्छा एक टेक्निक मिल गया आप लोग को, आप लोग भी ट्राई करो। बिल्कुल मस्त। तो चलिए हम भी मैं छिलते हुए खत्म कर लेते हैं, देखते हैं कितना देख पा रहे हैं। फिर खाना बनाने जाऊंगी, कुछ स्पेशल बन रहा है ना। यस yes. बोलूंगी तब बोलूंगी। ओके, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो मच लाइफ, होप यू आर डूइंग गुड। तो नहा के आ गई और थोड़ा सा जल्दी ही नहा लिया, जल्दी मतलब अभी 12:30 हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोछा आज बहुत दिन, मतलब 3 दिन के बाद आज पोछा मारा। मतलब पिंकू ने जो डराया था ना मुझे, तो उस डर से मैं और पोछा भी मतलब 2 दिन नहीं मार पाई थी बीच में। तो फाइनली आज पिंकू का छुट्टी था बोल के, क्योंकि सैटरडे है, तो पिंकू ने भी थोड़ा हेल्प किया, तो आज इसलिए 3 दिन के बाद पोछा लगाया और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये वाला वो ड्रेस ना जो रिसेंटली मैंने आपको आईजीओ हॉल पे दिखाया था, ये वाला कुछ इस तरह से, बाद में पिंकू को मैं बोल दूंगी कि वो ठीक से दिखा लेंगे। तो बस ये है आज की मेरी आउटफिट। और रुको रुको, इसके बिना कैसा मेरा पूरा हो सकता है, क्योंकि तो बस ये मैं हो गई रेडी। और एक्चुअली आज मुझे ना हेयर वॉश भी करना था, क्योंकि मेरे बाल पूरा मतलब चिप चिप हो गया है, मतलब ऑयलिंग नहीं किया है मैंने, बट खुद से ही जो है ऑयल निकल के पूरा चिप चिप। एक्चुअली मेरा जो स्काल्फ है वो बहुत ऑयली स्काल्फ है, मतलब हेयर वॉश ना करो ना 3-4 दिन के बाद खुद बे खुद जो है स्काल्फ से ऑयल मतलब निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर हेयर वॉश करना था, बट पिंकू को पता नहीं आज ऑल ऑफ सडन का इतना मूड हुआ कि आज मटन खाया जाए, बट अभी फिर मैंने बोला कि अभी मटन लाने नहीं जा पाओगे आप, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो ऑनलाइन मंगाते हैं। मतलब एक्चुअली मुझे ऑनलाइन वाला जो वो लाइक एक्चुअली वो फ्रोजन करके ही रखते हैं, तो इसीलिए मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट उनको इतना मन था तो मैंने बोला एक बार मंगा लो ट्राई कर लेते हैं, तो इसीलिए मंगा लिया है।
तो वही, और उसका जो रेसिपी है ना मटन का, वो भी मैंने बोला कि चलो मटन आ रहा है तो वो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आप में से कुछ 2-3 सब्सक्राइबर जो कि मुझे बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मटन का रेसिपी शेयर करो, बट मटन ही नहीं था तो रेसिपी कैसा शेयर करूंगी। फाइनली आज आया है, पता नहीं मटन कैसा होगा बट रेसिपी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो फिर चले गए, चलते हैं किचन में, जल्दी खाना बनाते हैं, फिर चलिए। फिर गरम हो जाए, उसपे थोड़ा सा बस शुगर, बस कैरामलाइज होने के लिए, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और ऑयल मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसके बिना कोई भी नॉन वेज नहीं बन सकता है हमारा। शुगर कैरामलाइज होने के बाद उसपे खड़े मसाला, दालचीनी और तेज पत्ता बस, और कुछ नहीं। फिर उसपे चॉप्ड ऑनियन ऐड करूंगी, ऑनियन थोड़ा सा भून जाए मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर उसके ऊपर जिंजर गार्लिक मतलब अदरक लहसुन और 2 मीडियम साइज का प्याज को मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है, और 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने यहाँ पे चॉप्ड करके लिया था। तो अभी मैं ये जो मसाला है वो ऐड करके, और फिर साथ में बाकी जो भी मसाला है वो ऐड करूँगी, नमक, हल्दी और ज़्यादा करके थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट तक भूनना है, जैसे कि अच्छे से पूरा ऑयल निकला है मसाला से। तो अभी जो मसाला है अच्छे से भून गया है ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद। अभी इसी टाइम में एवरेस्ट का जो मीट मसाला है वो थोड़ा सा ऐड करूंगी। और ये मिक्स होने के बाद इसी टाइम पे जो मटन था मैरिनेटेड किया हुआ, हल्दी नमक डाल के उसको भी ऐड कर लूंगी। इसको अच्छे से बस भूनते जाना है ऑलमोस्ट 20-30 मिनट, और कोई भी पानी ऊपर से मैं ऐड नहीं करूंगी, इससे जो मतलब मटन का जो जूस होता है वही निकलेगा, उसी में ही कुक हो जाएगा जितना। और फिर बस बाद में ऑलमोस्ट 30 मिनट मतलब इसको भुनने के बाद फिर इसमें जाके मैं पानी ऐड करूंगी। आप अभी देख सकते हो ये कितना अच्छे से पूरा बन गया है, ऑलमोस्ट ये 60% कुक हो गया है। और मतलब ऐसे ही भुनते भुनते मैंने कुछ सीटी भी नहीं लगा है, अभी बस हम राइस पे खाने वाले हैं, इस पे पानी ऐड करके इसीलिए सीटी लगाने वाली हूँ 2, क्योंकि ऑलमोस्ट अच्छे से ये 50-60% कुक हो गया है, 2 सीटी से बस हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो रोटी के साथ या और कुछ के साथ, राइस पे खाने वाले हैं हम, इसलिए थोड़ा सा हमें ग्रेवी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करके अभी बस 2 सीटी लगा लूंगी, तो बस ये बन गया, फिर हम करेंगे अपना लंच। मटन रेडी, यस। तो गाइस कलर तो मस्त दिख रहा है, हाँ। ग्रेवी भी बन गया है, तो चलिए हम लोग जो है लंच कर लेते हैं और फिर लंच करने के बाद में बात करते हैं। तो ये मैंने फाइनली अपना रेसिपी शेयर कर दिया, जिन लोगों ने मुझे काफी एक सब्सक्राइबर थे जो कि मुझे 10 बार आई थिंक बोल चुके थे, प्राय एक मतलब हर दूसरे ब्लॉग पे वो बोलते थे कि मटन रेसिपी शेयर करो। बट डोंट नो टेस्टी नहीं, मुझे पता नहीं ये वाला मटन कैसा होगा, मैं खाने के बाद ही आज बोलूंगी आप लोगों को। थोड़ा खराब हो सकता है, ऐसा मत बोलो आप, क्योंकि मैं ऑनलाइन मंगाया हूँ और मटन लाने के लिए तो नहीं जा पा रहा हूँ ना वहाँ पर। बोल रहे कि थोड़ा खराब हो सकता है। अरे नहीं यार, वो मैं जहाँ से लाता हूँ ना ये काडूगुड़ी से, तो एक्चुअली वो संडे ही जाता हूँ, करेक्ट। तो इस बार मैं नहीं जा पाया, कहाँ कौन सा वाला प्लेट में लाओगे? अच्छा वो वाला, ओके। बट यहाँ पर देख सकते हो गाइस, हम लोग ये वाला यूजन थ्रो प्लेट में आप खा रहे हैं, और ये भी नया वाला राइस है, तो पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। हम लोग ओडिशा से जो लेके आए थे हो गया खत्म, हो गया मेरा फेवरेट राइस। और गाइस सीरीज पूरा लंच करने के बाद देखते देखते हम दोनों का सर घूम गया, तो सोचे कि थोड़ा चलो चाय पी के आते हैं। और वो वाला जो मैंने ड्रेस पहना था ना, इतना अच्छा ड्रेस था, मैं उसी में आज मेरा खाना ही गिर गया। ये अच्छा लगता है, अभी आए हम लोग ओरिजिनल व्यू में, नेचुरल व्यू। और जो सीरीज हम लोग देख रहे हैं ना, पता नहीं इतना सारा एपिसोड 6 लगभग देख लिया, 6 बाद में पता चला कि मतलब वो पता नहीं, इधर वो बहुत अच्छी हो सकती है, इधर वो बहुत घटिया हो सकता है, ऐसा ही मुझे कुछ। बट रेटिंग तो अच्छा मिला है, रेटिंग अच्छा मिला है।
और लेट हो फोटो बेस्ट देखते हैं। और गाइस आप लोग भी थोड़ा थोड़ा चाय पी लो, चाय पी लो। यहाँ पे लिखा है हैप्पीनेस इज हैविंग फ्रेंड्स हु आर इडियट्स। यस ये लो आपका चाय। दो यू मीन टू आई एम इडियट हां मैंने तो नहीं बोला था। और आज इसको मन कर रहा है बिस्किट खाने के लिए, देखो मैं यही बस बेटा हमारी गोल्ड खाऊंगी। चलो फिर हम थोड़ा सा ये मतलब चाय खत्म करते हैं, फिर बाकी जो हमारा सीरीज है वो खत्म कर लेंगे। और दो ट्रे खाओ बिस्किट खाओ, ये पूरा शॉट अच्छा ले आऊं मैं पूरा। और एक बार खाओ बिस्किट। अरे नहीं यहां पे मेरा एक पिंपल हुआ है। नहीं नहीं खाओ। यहां पे मेरे पास पिंपल हुआ था, वो मैंने फोड़ लिया है तो वो ब्लैक हो गया है। दिखाओ पूरा अच्छे से। और गाइस एक बात बोलना था आप लोगों को, मतलब जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब अभी तो उनका थोड़ा तबीयत ठीक है, ऑक्सीजन लेवल लाइक आपका 90 के आसपास आ गया विथ 7 लीटर ऑक्सीजन अभी तक लगाया है। बट हम लोग बीबीएमपी में ट्राई कर रहे थे, बट बीबीएमपी में स्टिल हम लोग को बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीबीएमपी वाला बोल रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन अगर 80 से नीचे आ गया तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, आप लोग ऑफिशियली लेटर लेके आओ जो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह है। तो यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी अगर बैंगलोर में कोई भी है, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा भी कम हो रहा है, लाइक 90 से नीचे थोड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इमीडिएटली आप मतलब आपका गवर्नमेंट के साथ बात करके, जो भी है यहाँ पर जैसे बीबीएमपी है, तो आप लोग बात करके इमीडिएटली बेड का जैसे अरेंजमेंट कर लो पहले से, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम ना हो बाद में। जो फिनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उनका बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ में हम लोग बहुत फंस गए हैं। तो यही अपडेट देना था कि मतलब अभी तो थोड़ा बहुत वो, बट हम शिफ्ट नहीं करें। हाँ हम शिफ्ट ऑलमोस्ट शिफ्ट नहीं करेंगे शायद, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर हम लोग को अच्छा बड़ा बेड मिल जाए कि अब बीबीएमपी से कुछ भी हो जाए तो हम लोग करेंगे। बट और भी 4-5 दिन लगेगा शायद, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जितना ऑक्सीजन लीटर जो अभी 7 लीटर ऑक्सीजन में उनका 92-93-90 के आसपास हो रहा है, तो जब तक वो ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन लीटर जो हम लोग पूरा कम नहीं करेंगे, तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो ऑलमोस्ट और भी 4-5 दिन लगेगा। सो गाइज आज डिनर में बना है एक करी विथ बीन्स आलू की भज्जी। तो एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि बच गया, हाँ तो बच गया था वो, उसमें एक डाल के तुम बॉइल्ड एग डाल के तुम किए हो राइट। एक्चुअली मैं बोलना है इसमें इसलिए क्या हो जाता, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन लाइक वेज और नॉन वेज, तो बोलना आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके साथ होगा तो आपका हाथ पहले किस में जाता है। और आप देख सकते हो मेरा हाथ स्टार्टिंग में ये जा गया है यहाँ पर, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था कि मतलब सबको पता होना चाहिए कि अगर नॉन वेज और वेज होगा तो मेरा फास्ट हाथ तो यहीं पर प्रेफरेंस यहीं पर जाएगा। करो अपना अपना कमेंट करो कि फास्ट कहाँ पर आपका हाथ जाता है। और यहाँ पर अभी पिंकू जो है चाय बना रहे हैं मेरे लिए आज स्पेशल, हमेशा मैं बनाती हूँ, कभी कभी मतलब लास्ट टाइम आप कब बनाए थे एक्चुअली, ये एक्चुअली कब 4-5 दिन पहले बनाए थे। अच्छा बना लिया आपने आजकल चाय, पहले बहुत मतलब मीठा कर लेते थे, इतना मीठा करेंगे वो चाय पीने के लायक नहीं होती, तो एक दिन अच्छा बना इसलिए मैंने बोला नहीं बनाओ। चाय और मैगी मैं बहुत ही अच्छा बनाता हूँ, नहीं तो ये मैडम को पसंद नहीं थी पहले से, लेकिन ये 4-5 दिन पहले जब बनाए थे ना तो उनको बहुत पसंद आ गया, तो अभी डिमांड कर रही है कि नहीं चाय तुम बात बना के दो। मतलब चलो ठीक है चाय तो बनाना है और क्या, मतलब और कुछ बनाना है क्या। सो गाइस कल मतलब वो सीरीज देखने में हम इतना ज्यादा मतलब घुस गए थे, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो इतना गुस्सा हुआ मतलब आया जब वो सीरीज खत्म हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या सीरीज था वो। कुछ अलग था ही नहीं, कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं, बस एक इंसान था जो जिंदा था, लास्टली वो मर गया था, बस इतना ही मुझे फील हुआ। किसी ने देखा है तो कमेंट करना है, किसी को कुछ समझ में आया तो, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया, इतना घटिया वाला, बस मुझे लगा मैंने अपना पूरा दिन ही कल बर्बाद कर लिया उसको देखते हुए। पूरा हमने खत्म कर लिया, 8 एपिसोड था, 8 एपिसोड में पूरा हम लोग, वो भी मतलब ऑलमोस्ट वही 7 आवर के आसपास, नहीं ऑलमोस्ट 40 मिनट एक एक एपिसोड, 30-40 मिनट 7 आवर बर्बाद हो गया पूरा। तो वही और उसी चलते मैंने व्लॉग भी नहीं कर पाई ठीक से, फालतू का सीरीज था लिटरली। तो खैर छोड़ो जो भी हो, आज ये जो व्लॉग है मैं एंड कर लेती हूँ। यही पे एंड करते हैं, ऊपर अच्छा लगा हुआ, अच्छा लगा तो क्या करें, आपको लाइक करना, साथ में चल पाए नहीं हो पहली बार विजिट करो, रेड कलर की बटन है Yes. उसको दबा देना, सब्सक्राइब वाला बटन सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अच्छे से रहना,
घर में रहना, मास्क पहन के हमेशा रहना। बाय बाय। यस बाय।